में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई। दो पुलिस जवान, एक महिला, एक पुरुष घायल। संध्या ने भागकर बचाई अपनी जान। आरोपी को आसपास के निवासियों की मदद से घटना स्थल से भागने के पूर्व गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही पुलिस के हवाले भी किया गया। थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार ने बताया कि ओंकारेश्वर में फूल पत्ती की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाली कायाबाई गजानंद जेपी चौक पर दुकान लगाकर रोज की तरह बैठी थी। उसी दौरान कुमारी लिपिता गजानंद को ओंकारेश्वर निवासी जितेंद्र उम्र लगभग 28 वर्ष रंग लगाने की जिद कर रहा था। परिजन और बालिका द्वारा मना करने के बावजूद युवक पर रंग लगाने दौड़ा। जैसे तैसे बाली एवं उसकी मां राजपूत धर्मशाला में छुपकर अपनी जान बचाई। उनके पीछे आरोपी जितेंद्र दौड़ा व झूमा झटके के दौरान राजपूत धर्मशाला के मैनेजर इंदर बाबू सिंह उम्र 64 वर्ष को भी चाकू मारकर घायल कर दिया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात मानदाता थाने के ASI रमेश गोयल एवं विजय आरक्षक 671 पर भी हमला कर दिया। हमले में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिन्हें मानदाता के सिविल अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। यहाँ डॉक्टर श्याम भदौरिया ने बताया कि कायाबाई गजानन को जिला मुख्यालय खंडवा रेफर किया जा रहा है। मैनेजर इंदर बाबू सिंह के गले में चोट आई है। SI रमेश गोयल का भी इलाज जारी है, इन्हें भी रेफर करने की बात की जा रही है। थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार ने बताया कि आरोपी को SI गोयल व रागिरो व नगरवासियों की मदद से मौके पर पकड़ लिया गया, जिसे थाना मानदाता लाया गया। विवेचना के बाद कार्रवाई की जाएगी। रंग लगाऊंगा लड़की को, था क्या? अच्छी है ना सर, अच्छी गवाही ले लूँ। ये मेरी पत्नी है, वो बच्ची। तुम्हारा नाम गजानंद है जी? गुप्पू जी है। सुंदर सिंह बेटा, बापू सिंह सोलंकी। कैसी हुई घटना? एक महिला को चाकू मार दिया था एक लड़के ने। अच्छा, वो महिला के उसको देख के हम हो गए। कहाँ से आए? राजपूत धर्मशाला ओंकारेश्वर में हूँ। राजपूत धर्मशाला? अच्छा, धर्मशाला में। कौन था लड़का? केस लड़का सर, मेरा लड़का तो बिचंता गिरी, वो कहीं माता पति हुई लेडी हो अंदर बुझी, वो बाहर पीछे आया मेरे को, बाहर निकल जाओ तो वो उतने लोग बाहर मार दिए। उसमें जबे में भी वो सब हुए आँख में भी मारा होगा। पोरी को छेड़ा था कि मैं कितने को कलर लगाऊंगा तो वो नहीं कहेगा कि मैं नहीं लगवाती भैया कलर। हाँ, मैं लगवाती। आपका शुभ नाम क्या? तो भाई कलर तो चाकू निकाल के डायरेक्ट मारने लग गया। यही रहता लड़का? वो रुखड़िया का पोरी है। रुखड़िया, उसका नाम क्या? जितेंद्र। हाँ, जितेंद्र। कितने लोगों को घायल किया बेटा उसने? 4-5 लोगों को मारा उसने। पुलिस जवान के लोग भी थे? थोड़ा आराम से ना। अब आप एक में ASI था, एक जवान था मेरे साथ। क्या नाम उनका? मैं ASI रमेश चंद्र, आरक्षक विजय।
फंसी थी, लग जाएगा उसके अंदर। हाँ एक बार चोरी को बोले कि रंग लगाऊंगा, रंग लगाऊंगा, चोरी मना कर कि मैं नहीं लगाऊंगा। जी जानते हो इसको, चाकू मारा इसको जानते हो? जानते हैं। उसके पिता का नाम भुपड़िया है, पिता का नाम भुपड़िया है, और उसका नाम क्या जीते हैं। ऐसा ही रमेश चंद्र गोयल और एक आरक्षक विजय को जो मैंने नागर घाट भेजा था, उन्हें फ़ोन पर मुझे बताया कि साहब एक आदमी यहाँ चाकूबाजी की घटना कर रहा था, जिसको हमने पकड़ा तो उन्हें भी घायल कर दिया है। थाने दवाखाने आके पूछा मैंने कि कायाबाई नाम की महिला है, कायाबाई नाम की महिला ने बताया कि मेरी लड़की दीपाली को जितेंद्र पांडे नाम का आदमी रंग लगाने के लिए आया तो हमने मना कर दिया। इस बात पर से इनकी माता बच्ची हुई तो वो जितेंद्र चाकूबाजी लेके कायाबाई के ऊपर दौड़ा। उसको बचाने के लिए हमारे एएसआई रमेश गोयल और विजय आरक्षक दौड़े तो उनको भी घायल कर दिया। छुड़ाने दो चार लोग गए उसमें, ये राजपूत धर्मशाला के इंद्र सिंह राजपूत, धन सिंह राजपूत, ये लोगों को भी उन्होंने चाकू मार के कुछ इंजर्ड किया है। इस पर से अभी रिपोर्ट होकर के हम अपने जितेंद्र को पकड़ लिया है, उसको तो थाने में बंद कर दिया है।